तो दोस्तों 2 महीने के टूर का ये आखिरी मुकाबला होने जा रहा है और ये आखिरी मुकाबला डिसाइडर होगा सिर्फ इस सीरीज का ही नहीं तो पूरे टूर का, क्योंकि इंडिया ने जीती है T20 सीरीज और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की ODI सीरीज, तो बेहद इंपॉर्टेंट मुकाबला होगा दोनों टीमों के लिए। तो आज इसी टेस्ट के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। सभी का स्वागत है क्विक बुक पे। अगर आपने तीसरा मुकाबला देखा होगा तो क्या ही रोमांचक मुकाबला था। बड़े बड़े नाम टीम में नहीं थे, 4 से 5 खिलाड़ी चोटिल थे, फिर भी आखिरी इनिंग में 131 ओवर बल्लेबाजी करके मैच को ड्रॉ किया। भले ही ये मैच ड्रॉ हुआ हो लेकिन इंडिया की ये जीत ही थी और इसका पूरा श्रेय पंत, पुजारा और हनुमा विहारी और रविचंद्र अश्विन को जाता है, जिस हिसाब से ये बल्लेबाजी कर रहे थे वर्ल्ड के बेस्ट बॉलिंग लाइनअप के सामने काबिले तारीफ था। तो इस मुकाबले के बाद फिर एक बार 1-1 से इस सीरीज में बराबरी हो चुकी है, तो आखिरी मुकाबला जो खेला जाएगा ब्रिस्बेन में द गब्बा टेस्ट, वो बेहद क्रूशियल होगा। अगर इस ग्राउंड की बात करें तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया को हराना बेहद मुश्किल है, क्योंकि 1988 से एक भी मुकाबला नहीं हारी है। यहाँ की पिच तेज गेंदबाजों की है, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग लाइनअप बहुत ज्यादा मुश्किलें देता है किसी भी टीम को। लेकिन एक और बात है कि 15 से 19 तक ये मुकाबला खेला जाएगा और पहले 4 दिन बहुत सारी बारिश होने की संभावना है, तो अगर 2 भी दिन खेल रुकता है तो ये मुकाबला भी ड्रॉ हो सकता है। अब बात करते हैं इंडिया के प्लेइंग 11 की, तो बहुत सारे चेंजेस होंगे टीम इंडिया में। ओपन करेंगे शुभमन गिल और रोहित शर्मा, पिछले मुकाबले में बेहद अच्छी पारी खेली थी दोनों ने। फिर आएंगे चेतेश्वर पुजारा, जिनका बल्ला बोलने लगा है। फिर आएंगे अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने बेहद कमाल की कप्तानी और साथ ही बल्लेबाजी दिखाई। फिर आएंगे ऋषभ पंत, जो कि बिल्कुल फिट है अगले टेस्ट के लिए। फिर हनुमा विहारी के जगह यहाँ पर मयंक अग्रवाल मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। फिर अगर अश्विन पूरे फिट होते हैं तो टीम में रहेंगे, वरना उनकी जगह कुलदीप यादव को यहाँ मौका मिल सकता है। रविंद्र जडेजा की जगह वॉशिंगटन सुंदर का यहाँ पर डेब्यू दिखाई देगा। फिर तेज गेंदबाजी में नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज खेलते हुए दिखाई देंगे। और आखिर में जसप्रीत बुमराह यहाँ पर टीम से बाहर हो चुके हैं, तो उनकी जगह शार्दुल ठाकुर या फिर नटराजन को मौका मिल सकता है। तो इंडिया की ओर से देखें तो रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत को छोड़कर पूरा टीम एकदम नया होगा, तो ये मुकाबला बेहद कठिन होगा इंडिया के नजरिए से। तो इस मुकाबले को जीतने के लिए टीम इंडिया को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो होप कि ये मुकाबला भी ड्रॉ हो जाए। तो बस दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और शेयर करना, और अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।